गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह का समय था और श्री गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन थे। वहीं पर उनके दो शिष्य भाई शेहन और भाई मर्दाना बैठे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली और भाई शेहन ने भाई मर्दाना जी से कहा, देखो भाई मर्दाना, गुरुजी ने अपनी आंखें खोली हैं और उनका माथा चमक रहा है। लगता है वो किसी न किसी पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। सही कहा तुमने, गुरुजी कई तरह से अपनी दया लोगों पर करते हैं। कभी वो अपनी कृपा लोगों की भीड़ पर करते हैं तो कभी वो उन पर कृपा करते हैं जो पहले से ही भक्ति के रास्ते पर चल रहे हों। कभी वे बेहद ही ज्ञानी संत जो अपने आप में यह मानते हैं कि उन्होंने प्रभु को पा लिया है परंतु असलियत में झूठ और आडंबर में फंसे हैं, उनको ज्ञान देते हैं। वे लोगों की गलत धारणाओं को दूर कर उन्हें सही राह पर लेकर आते हैं। कभी वे ऐसे लोगों को ज्ञान देते हैं जो किसी मठ या दरगाह के प्रधान हैं परंतु घमंड और लोगों के प्रति दुर्भावना लेकर जी रहे हैं। और कभी वो डाकू लुटेरों अपराधियों पर अपनी कृपा कर उन्हें परमात्मा की राह दिखाते हैं। हम नहीं जानते आज वह क्या करिश्मा करेंगे। सुबह से ध्यान में रहने के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली हैं। इतने में ही गुरुजी आ गए और बोले, चलो यहाँ से चलना है, तैयारी कर लो। गुरुजी कहाँ जाना है? नजदीकी एक कस्बा है और एक व्यक्ति गलत धारणाओं में फंसा है। गलत धारणाएं ऐसी हैं मानो बहती नदी में किसी ने बांध लगा दिया हो और जब तक बांध को हटाया नहीं जाएगा नदी नहीं बहेगी। उस व्यक्ति की हालत भी ऐसी ही है जैसी नदी की, और जब तक उसकी गलत धारणाओं को खत्म नहीं किया जाएगा वह अपने रास्ते पर नहीं आ सकता। सभी नगर में पहुँचे, उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, भाई यहाँ वीरन मल्हार कहाँ रहते हैं? बस अगली ही गली में भाई। सभी वीरन मल्हार के बाग में पहुँचे। वीरन मल्हार उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी बोले, करतार कृपा करेंगे। तुरंत ही उन्होंने गुरुजी के बैठने के लिए आसन बिछा दिया। गुरुजी ऊपर बैठ गए और बाकी सभी नीचे बैठ गए। वीरन मल्हार, कहो तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं भगवान के बारे में क्या जानूं? भाई मर्दाना जी ने वीरन मल्हार को राय देते हुए कहा, भाई अपनी बात खुलकर रखो, जो पूछना चाहते हो बेहिजक पूछो। भाई ये संत कौन है? भाई ये नानक निरंकारी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे संत मेरी कुटिया में पधारे और मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे मन को एक प्रश्न बेचैन कर रहा है। गुरुजी ने कहा, पूछो बेहिजक पूछो। गुरु साहिब, मैंने सुना है कि आप हिंदू और मुस्लिमों में फर्क नहीं करते और मैं जब भी अपने घर पर होता हूँ तो मैं एक परमात्मा को ही सिमरता हूँ, परंतु जब मैं मस्जिद में जाता हूँ तो वे कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही मस्जिद में आ सकते हैं, हिंदू नहीं। और वे कहते हैं ईश्वर एक ही है और उसके द्वार पर मोहम्मद साहिब ही दोस्त हैं और मोहम्मद साहिब के पश्चात किसी को भी परमात्मा के दरबार में स्थान नहीं मिला। वे राम और कृष्ण को नहीं मानते और कहते हैं अगर वे हैं भी तो एक परमात्मा के द्वार पर उनको भी स्थान नहीं मिला हुआ। इस पर मैं सोचता हूँ कि अगर हिंदू भगवानों को भी उस एक प्रभु के द्वार पर स्थान नहीं मिला तो प्रभु ने उन्हें बनाया ही क्यों? मुस्लिम मौला कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। मैं फिर यह सोचता हूँ कि प्रभु ने वह चीज बनाई ही क्यों जिसे उसे जलाना पड़े। क्या वह परमात्मा यह देखकर खुश होगा कि उसका बनाया इंसान जल रहा है? और अगर मैं पंडितों से कहता हूँ तो वे कहते हैं मुस्लिम अछूत है और उन्हें छूना भी पाप है और उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर वे लोग मुस्लिमों के विरोध में बोलते हैं। यह देखकर मैं भगवान से पूछता हूँ कि हे प्रभु, मैं कौन सी नाव में बैठूं? कौन सी नाव डूबेगी और कौन सी बचेगी? इस सोच में मेरा जीवन बीत रहा है और मैं बेचैन होकर जी रहा हूँ। मैंने सुना है आपने वर्षों प्रभु का ध्यान किया है और आपको उनका सम्मान प्राप्त है। प्रभु के दरबार में क्या स्वीकार होता है और क्या ठुकराया जाता है? भगवान के लिए आप सच बताएं।
ओ मेरे प्रिय, सच्चाई तो यह है, जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। मन को शांति तभी मिल सकती है जब आप यह मान लें कि जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो भी वह कर रहा है वह अच्छा कर रहा है। जो बिना प्रभु के नाम के जी रहे हैं वो अहम में जीते हैं, अपनी मैं में डूबे हुए हैं। हे गुरुवर, आप उस प्रभु के प्यार में रंगे हैं। आप मेरे दिल से वह काटा निकाल दो जो मुस्लिम मौलवियों ने छेद दिया है और हिंदू पुजारियों ने उसे बाहर नहीं निकाला। आप इसे बाहर निकालें। आप बताएं किसे भगवान के दरबार में जगह मिलेगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यह मानते हैं कि इस संसार को उस करतार ने बनाया है, इसलिए करतार रचने वाला है, यानी सभी कुछ उसने बनाया है, और जिनको उसने बनाया है वो उस परमात्मा के बच्चे हैं। तुम ही मुझे बताओ, तुम्हें अपने बच्चों में कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है? मुझे तो गुरुवर अपने सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, परंतु जो गुणी होता है वह बच्चा थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है। हम परमात्मा को देख नहीं सकते, परंतु यह जरूर जानते हैं कि जो कुछ भी है वह सभी कुछ उस परमात्मा ने बनाया है, और हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा की नज़र में हम सब एक समान हैं, जैसे हमारी नज़र में हमारे बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु यह बात तो धरती और आम इंसान की हुई। अब मुझे उन ईश्वर के रूपों के बारे में बताएं जिन्हें हम पूजते हैं। प्रभु को अपना कौन सा प्रोफेट या नबी या रूप प्यारा लगता है? प्रोफेट मोहम्मद साहिब, श्री राम, श्री कृष्ण या कोई और? जो परमात्मा इस समय यहाँ मौजूद है, वहाँ मौजूद है और हर जगह मौजूद है, वह एक है और सिर्फ एक है, और बाकी सभी उसके दरबार में खड़े हैं, और वह लाखों हैं। लाखों में ही संत और पीर उसके दरबार में खड़े हैं, और उनकी कोई गिनती नहीं है। और आपको यहाँ हम बता दें कि हिंदू धर्म में भी 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, और गुरुजी यहाँ कह रहे हैं कि करतार के दरबार में ऐसी दिव्य आत्माओं की कोई गिनती नहीं है जो वहाँ खड़े हैं। आगे गुरु ज्ञान देते हुए गुरुजी बोले, ओ मेरे भाई, जो करतार का नाम जपते हैं, उसके सच्चे मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। अगर आप भी उसके बताए मार्ग पर चलोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। जिन करोड़ों की बात मैंने यहाँ की, उन्होंने प्रभु के नाम को सिमरा और अंत में मोक्ष पाया, और जिन्होंने नहीं जपा उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। और अगर हम बात करें परमात्मा की, तो वह एक है और सिर्फ एक, और दूसरा कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। वह एक करतार सभी का परमात्मा है, चाहे वो प्रॉफिट हो, संत हो या साधु हो। परंतु अगर आप उसकी सीमा ऐसे नापना चाहते हो जिस प्रकार आप अपनी जमीन को नापते हो, तो यह सिर्फ मूर्खता होगी। जिसने हमें बनाया है, हम उस करतार की सीमा और शक्ति को नहीं आंक सकते, और जो खुद सीमित है वह उस चीज को कैसे नापेगा जो असीमित है। उस परमात्मा को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। चाहे जो भी हो, हमें उस प्रभु की भक्ति में रहना है और हमें उसे प्यार करना है। उसके नजदीक जाने से ही हमारे बेचैन मन को आराम मिलेगा। हमें हमेशा उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहिए, और यह सब कर ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। गुरुजी की वाणी ने विरन मल्हार को अंधेरे से उजाले में ला दिया, और उसने अपने मन में कहा, यही सच्चे गुरु हैं जो खुद मेरी कुटिया में आए हैं। यह स्वयं भगवान का रूप है। वह तुरंत गुरुजी से बोला, ओ मेरे दयालु गुरुवर, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दे, मुझे अपना आशीर्वाद दे। ओ विरन मल्हार, जानना चाहते हो कौन उस प्रभु के दरबार में पहुंचता है, तो सुनो, जो अपनी 5 इंद्रियों पर काबू रखता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर अपना काबू रखता है, जो अच्छे लोगों की संगति में रहता है, जो संतों के बताए मार्ग पर चलता है और तत्पश्चात संत बनता है, उसका प्रभु के दरबार में स्वागत होता है। परंतु कोई संत कैसे बने, अब यह प्रश्न उठता है, तो इसका जवाब है
कि जो प्रभु का नाम लगातार जपता है वह संत बनता है। और अब प्रश्न उठता है कि कोई प्रभु का नाम लगातार कैसे जपे, तो इसका जवाब है कि सत्संग में जाकर, उस स्थान पर जाकर जहाँ प्रभु का नाम जपा जाए, मनुष्य प्रभु का नाम जपने का अभ्यास कर सकता है। गुरु तुम्हें नाम देता है और यही सही मार्ग है, और बाकी सब गलत धारणाएं हैं। इसके पश्चात विरन मल्हार गुरुजी के चरणों पर गिर गया और गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी अगली यात्रा को निकल गए। सुख हो या दुख, दोनों में ही इंसान की सूझबूझ चली जाती है। इसका उदाहरण देते हुए संत मस्कीन जी कथा सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध कर दिया। यह देख अर्जुन अत्यंत ही शोक में चले गए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के शव को उठाया और श्री कृष्ण के सामने रख दिया और कहा, हे केशव, मेरा अभिमन्यु कौरवों ने छल से मारा है। वीर अभिमन्यु मेरा पुत्र, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। अभिमन्यु मेरा काबिल पुत्र था, मेरे जीवन का सहारा था। मेरा सब कुछ खो गया है केशव, मेरा पुत्र जीवित कर दो, मेरा पुत्र जीवित कर दो। श्री कृष्ण ने सोचा, अर्जुन इतना दुखी है कि यह ज्ञान से प्रभावित नहीं होगा, यानी समझाए नहीं समझेगा। चाहे बहुत सुखी हो या बहुत दुखी, दोनों ही व्यक्ति नहीं समझ सकते। इसलिए ज्ञान लेने के लिए बीच की अवस्था चाहिए, और अर्जुन इस समय बहुत दुखी है इसलिए यह नहीं समझेगा। जिस प्रकार सितार की तार बहुत ढीली हो या बहुत कसी हो, दोनों ही अवस्था में संगीत नहीं बज सकता, उसी प्रकार बहुत दुखी या बहुत सुखी व्यक्ति समझाने पर नहीं समझ सकते। यह बात सोचकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यह लो मेरे सोने का कमंडल, और जाओ इसमें पानी लेकर आओ। यह सुनते ही अर्जुन ने तुरंत सोचा, शायद श्री कृष्ण कोई मंत्र पढ़ेंगे, शायद मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। यह सोच अर्जुन भागते हुए गए और पास के सरोवर से कमंडल में पानी भरकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। श्री कृष्ण के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब मेरा पुत्र जिंदा कर दो। अर्जुन जाओ इस पानी को वापिस उसी जगह डो लाओ जहाँ से तुम लाए हो। यह क्या बात हुई, अभी तो पानी मंगवाया है और अब उसे वापिस डोलने को कह रहे हैं, शायद इसकी भी जरूरत होगी। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। परंतु अर्जुन इतने दुखी थे कि उन्हें अभिमन्यु के जीवित होने की थोड़ी सी भी किरण एक बड़ा अवसर दिख रही थी। अर्जुन ने तुरंत कमंडल उठाया और वापस जाकर सरोवर में दोबारा कमंडल डोल दिया, यानी कमंडल का पानी सरोवर में दोबारा मिल गया। वापस आकर खाली कमंडल श्री कृष्ण के सामने रखा और कहा, हे भगवान, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब मेरा पुत्र जिंदा कर दो। अर्जुन अब ऐसा करो, जो पानी तुम सरोवर में डोलकर आए हो उसी पानी को दोबारा कमंडल में भरकर ले आओ। अर्जुन ने हैरान होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे दुख के समय में ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? जो पानी मैं डोल कर आया हूँ वही पानी मैं कैसे ला सकता हूँ? वह पानी तो सरोवर में विलीन हो गया है। हे अर्जुन, मैंने मजाक नहीं किया, मजाक तो तुमने शुरू किया था। तुम छोटे से सरोवर में पानी मिला कर आए हो और वही पानी तुम दोबारा नहीं ला सकते। परमात्मा एक विशाल सागर की तरह है और अभिमन्यु की आत्मा एक छोटी सी बूंद, और वह छोटी सी बूंद उस परमात्मा रूपी सागर में विलीन हो गई है, तो मैं उसे दोबारा कैसे ला सकता हूँ? अर्जुन उसी समय श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, मुझे क्षमा करे, मुझे सब समझ आ गया है। तो अर्जुन, तुम्हें समझ नहीं आई, बल्कि तुम्हारी नजरों से दुख का पर्दा हट गया है। दुख एक ऐसा पर्दा है जो आंखों को अंधा कर देता है, इसी तरह सुख भी एक ऐसा पर्दा है जो इंसान को अंधा कर देता है।
श्री गुरु नानक देव जी ने श्री राम और श्री कृष्ण के किस किस्से के बारे में क्या बताया, यह जानने से पहले हम आपको यह बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ऐसे गुरु हैं जिसमें सभी धर्मों के बारे में बताया गया है। हर किस्से का बताने का उद्देश्य यह होता है कि किस प्रकार इस धरती पर आए दिव्य लोगों ने प्रभु का नाम जपकर लोगों का कल्याण किया, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार परमात्मा एक है, निराकार है, वह कोई भी रूप ले सकता है, पर इस जगत में कोई भी आज तक परमात्मा की जगह नहीं ले पाया है और ना ले पाएगा। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसकी क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जो कुछ भी इस धरती पर घटा है वह उस परमात्मा के हुक्म से ही हुआ है। आइए अब जानते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या कहा है। गुरु की शरण के बिना अहंकार माया के बंधनों से खलासी किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, यानी मुक्ति किसी भी हालत में नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु की शरण में आए बिना परमात्मा का नाम सिमरन नहीं किया जा सकता। हे भाई, गुरु की मति पर चलकर नाम सिमरन करो, इस तरह उस संसार समुन्दर में से पार लांग जाओगे, जिसमें से पार लांगना बहुत मुश्किल है। जो लोग नाम सिमरन करके विकारों से बच निकले, उनको आत्मिक आनंद प्राप्त हो गया। गुरु की मति पर चलकर नाम सिमरन करने से बड़ी ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल हो जाती है, यानी बड़ा आत्मिक बल प्राप्त हो जाता है। इसी गुरमति की इनायत से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पर उठा लिया था और श्री रामचंद्र जी ने पत्थर समुन्दर में तैरा दिए थे। हे नानक, जो भी मनुष्य गुरु की शरण आया, गुरु ने उसकी भटकना समाप्त कर दी। हे भाई, गुरु की मति ग्रहण करो और सदा स्थिर प्रभु का नाम सिमरन करो, इस तरह संसार समुन्दर से पार लांगने के लिए तैरो। अपने आत्मिक जीवन को ध्यान से देखो और परमात्मा को अपने हृदय में बसाओ। परमात्मा का नाम जपके देश ले जाने वाले बंधन काटे जाते हैं। जो भी मनुष्य नाम जपता है उसको वह परमात्मा मिल जाता है, जिसका कोई विशेष कुल नहीं है और जो माया के प्रभाव से ऊपर है। इस बाणी का भाव यह है कि बिना गुरु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, और गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 182 में कहते हैं, हे करतार, तू अविनाशी है, तू पार ब्रह्म है, तू परमेश्वर है, तू अंतर्यामी है, हे स्वामी मधुसूदन और दामोदर भी तू ही है, हे हरि, तू ही ऋषिकेश गोवर्धन और मनोहर मुरली वाला है, तू अनेक रंग तमाशे कर रहा है, हे हरि जीव, मेहन माधव कृष्ण मुरारी तू ही है, तू ही है जगत का मालिक, तू ही दैत्यों का नाश करने वाला, हे जगजीवन, हे अविनाशी ठाकुर, तू सब शरीरों में मौजूद है, तू सबके साथ बसता है, हे धरती के आश्रय, हे ईश्वर, तू ही है नरसिंह अवतार, तू है विष्णु जिसका निवास समुद्र में है, वराह अवतार धार के धरती को अपनी दाढ़ों पर उठाने वाला भी तू ही है, हे करतार, राजा बलि को छलने के लिए तूने ही वामन रूप धारण किया था, तू सब जीवों के साथ बसता है, फिर भी तू सबसे उत्तम है, हे प्रभु, तू वह श्री रामचंद्र है जिसका ना कोई रूप है ना रेख, तू ही है बनवाली और सुदर्शन चक्रधारी, तू बेमिसाल अलौकिक स्वरूप वाला है, तेरे हजारों नेत्र हैं, तेरी हजारों मूर्तियां हैं, तू ही अकेला दाता है, सारी दुनिया तुझसे मांगने वाली है, हे अनाथों के नाथ, तू भक्ति को प्यार करने वाला है, तू ही गोपियों का नाथ है, तू सब जीवों के साथ रहने वाला है, हे वासुदेव, हे निर्लिप दातार, मैं तेरे अनेक गुण बयान नहीं कर सकता, हे मुक्ति के दाते, हे सुंदर प्रभु,
हे लक्ष्मी के पति नारायण, हे द्रौपदी को बेइज्जती से बचा के उसकी इज्जत रखने वाले, हे लक्ष्मी के पति, तू अनेक करिश्मे करता है, तू सारे आनंद लेने वाला है और निर्लिप भी है। हे फल देने से कभी ना उकताने वाले दर्शनों वाले प्रभु, हे जूनी रहित प्रभु, हे अपने आप से प्रकाश करने वाले प्रभु, हे मौत रहित स्वरूप वाले, हे ऐसे प्रभु जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, हे अविनाशी, हे अदृष्ट, हे आगोचर, जगत की हरेक चीज तेरे ही आश्रय है। हे लक्ष्मी के पति, हे बेकुंठ के रहने वाले, मच्छ और कछुए आदि का तेरी ही आज्ञा में अवतार हुआ। हे सुंदर लंबे केशों वाले, तू सदा अनोखे करिश्मे करता है, जो कुछ तू करना चाहता है वही अवश्य होता है। हे प्रभु, तू अन्न खाए बिना जीवित रहने वाला है, तेरा किसी के साथ वैर नहीं, तू सब में व्यापक है। ये जगत खेल रच के तूने ही अपने आप को ब्रह्मा कहलवाया है। हे प्रभु, कृष्ण जैसे अनेक सांवले सुंदर रूप तू बनाता रहता है, तेरी बांसुरी सुनते ही सारी सृष्टि मोहित हो जाती है। हे प्रभु, सारी सृष्टि की वनस्पति तेरे आभूषण है। हे कमल पुष्प जैसी आँखों वाले, हे सुंदर कुंडलों वाले, हे मुकुटधारी, हे बांसुरी वाले, हे शंखधारी, हे चक्रधारी, हे गदाधारी, तू सत्संगियों का सबसे बड़ा सारथी अथवा नेता है। हे पीले वस्त्रों वाले, हे तीनों भवनों के मालिक, तू ही सारे जगत का नाथ है, सृष्टि का पालनहार है। मैं अपने मुंह से तेरा नाम उच्चारता हूँ। हे धरणुधारी, हे भगवान, हे माया के प्रभाव से परे रहने वाले, मुझसे तेरे सारे गुण बयान नहीं हो सकते। हे भाई, परमात्मा का कोई वैरी नहीं है, उसको वासना रहित कहा जाता है। वही सारे जगत के धन को जीतने वाला धनंजय है। वह जल में है, थल में है, धरती पर हर जगह है, मात्र लोक में, पाताल में, सब जीवों के नजदीक है। उसकी जगह हमेशा कायम रहने वाली है, कभी टूटने वाली नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भक्त नामदेव जी कहते हैं, ओ मेरे सतगुरु, धन्य है प्रभु की बजने वाली बांसुरी, जिससे बहुत ही मधुर आवाज प्रकट हो रही है। धन्य है वह भेड़ की ऊन, धन्य है वो कंबल जो श्री कृष्ण ने होड़ा है। हे माता देवकी, तू धन्य है जिसके घर में सुंदर प्रभु पैदा हुए। धन्य है वो वृंदावन का वन स्थल जहाँ श्री नारायण खेले, वह बांसुरी बजाते और गाय चराते रहते हैं। नामदेव का स्वामी आनंद कर रहा है। हे मेरे माधव, हे लंबे केसों वाले प्रभु, हे सांवले रंग वाले प्रभु, हे बिठुल, तू धन्य है, तू मेरा पिता है, भाव तू ही मुझे पैदा करने वाला और रखवाला है। हे माधो, हाथों में चक्र पकड़ के बेखुंड से ही आया था और हाथी के प्राण तूने ही बचाए थे। हे सांवले प्रभु, दुशासन की सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तब उसकी इज्जत भी तूने ही बचाई थी। हे बिठल, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जो ऋषि के श्राप से शिला बन गई थी तूने ही मुक्त किया था। हे माधव, तूने अनेक पतितों को पवित्र किया और उनका उद्धार किया। हे माधव, इसलिए अधम एवं निम्न जाति वाला नामदेव तेरी ही शरण में आया है, मेरा भी उद्धार कर। इस बाणी में नामदेव जी इस शब्द में जिसको अपना पैदा करने वाला कह रहे हैं और जिसकी शरण पढ़ते हैं उसको कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे माधव, केशव, सांवला, बिठुल। माधो, सांवला और बिठुल तो कृष्ण जी के नाम कहे जा सकते हैं, पर केशव विष्णु जी का नाम है। जिस जिसकी रक्षा का जिक्र आया है उन सभी का सामना कृष्ण जी से नहीं पड़ा। पौराणिक साखियों के अनुसार द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण जी ने रखी थी, पर अहिल्या का उद्धार करने वाले तो श्री रामचंद्र जी थे। एक अवतार का भक्त दूसरे अवतार का पुजारी नहीं हो सकता। द्रौपदी और अहिल्या दोनों को अलग अलग युगों में उद्धार करने वाला नामदेव जी को कोई वह दिख रहा है जो सिर्फ एक युग में नहीं सदा ही कायम रहने वाला है। वह है
नामदेव जी का वह प्रभु जो उनको नारायण कृष्ण जी और रामचंद्र जी सब में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में यह कह लो कि नामदेव जी इस शब्द में निर्मल परमात्मा के आगे विनती कर रहे हैं। हे भाई, सारे शरीरों में परमात्मा बोलता है, परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा के बिना और कोई नहीं बोलता। हे भाई, जैसे एक ही मिट्टी से कई किस्मों के बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही हाथी से लेके कीड़ी तक निर्जीव और सजीव जीव, कीड़े पतंगे हर एक शरीर में परमात्मा ही समाया हुआ है। हे भाई, और सबकी आशा छोड़ एक बेअंत प्रभु का ध्यान कर जो सब में मौजूद है। नामदेव विनती करता है, जो मनुष्य प्रभु का ध्यान धर के निष्काम हो जाता है, उसमें और प्रभु में कोई भिन्न भेद नहीं रह जाता। भाव परमात्मा घट घट में मौजूद है और आशाएं छोड़ के उसी का आसरा लेना चाहिए। सतनाम श्री वाहे गुरु।